पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ के जन्मदिन पर बड़ी माता मंदिर, राम मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर हुई पूजा अर्चना। सिमरिया में हुआ सुंदरकांड पाठ। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा। धर्मगुरुओं का शुभाशीष और दुआएं। पूर्व सीएम कमलनाथ के जन्मदिन पर वृद्धाश्रम में हुआ फल वितरण और भोज। वार्डो में काटे गए केक। स्वच्छता सैनिकों का हुआ सम्मान। और समीपस्थ ग्राम जाम में मेधावी छात्र छात्राओं का हुआ सम्मान। मड़ई मेले में भक्ति संध्या, भजनों की शानदार प्रस्तुतियां। नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी हलचल में और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, पूर्व सीएम, जिले की पहचान, विकास पुरुष, कर्मभूमि पर समर्पित, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, लोकप्रिय जननायक, दलगत राजनीति से अलग, छिंदवाड़ा से, छिंदवाड़ा के और छिंदवाड़ा के लिए जो एक गरिमामय व्यक्तित्व हैं, उनके जन्मदिन पर मंदिरों में पूजा अर्चना हुई, दुआएं की गई, सभी धर्मगुरुओं ने शुभाशीष दिया, बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ का जन्मदिन अनेक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। जिला कांग्रेस मुख्यालय में सर्वधर्म प्रार्थना सभा हुई। मैं अब अनुरोध करूंगा माननीय जिला अध्यक्ष जी से, दीपक सक्सेना जी से, उपते जी से कि धर्म धर्मगुरुओं के विराजमान हो जाए। अब उद्बोधन का हम स्वागत के बाद करेंगे प्रतिनिधि के रूप में। तिवारी जी, दीपक सक्सेना जी, अनिल सक्सेना जी, ओके जी, नंदू भैया, पंकज शुक्ला जी, हम सभी धर्म वालों को एक अवसर मिलता है उनके लिए कुछ वचन कहने के लिए और साथ में आशीर्वाद देने के लिए। कमलनाथ जी का जो स्वभाव है उसके संबंध में भी कुछ बातें रहती हैं, जो कि सभी लोग बैठते हैं इसलिए सबका समय भी अमूल्य होता है। पर हित सरिस धर्म नहीं बराई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। जो दूसरे के दुख से दुखी हो और दूसरे के सुख से सुखी हो, ऐसा जो धर्म है वो धर्म को लेकर जो व्यक्ति चलता है निश्चय ही वह विजय को प्राप्त करता है। सत्य मूल सर सुतीत सुधाई, वेद पुराण संत जन गाई। हम सनातनी धर्मी यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे जो सनातन धर्म में जन्म लिए हैं, ऐसे माननीय कमलनाथ जी की दीर्घायु हो, सतायु हो, उनका जीवन आरोग्य में हो, हमेशा उनका जीवन सुखमय हो और वे समस्त देश के लिए कल्याणकारी कार्य करते हैं। मैंने खुतबा पढ़ा, खुतबे के बाद एक आयत कलिमा कुरान शरीफ की पढ़ रहा हूँ। ला इकराह फी दीन कद तबय्यन रुश्दु मिन अल-गिज़ वमन यकफुर बित्तागूत। इस आयत में एक चीज देखने को मिली, मेरी उम्र 27 साल है। इस 27 साल की उम्र में मैंने कुरान की एक आयत को पढ़ने के बाद पूरी दुनिया का मुआशरा किया तो इस आयत में ही उतर कर आ गया। तुम अपने दीन को, अपने मजहब को मानो, किसी के दीन को, किसी के मजहब को बुरा ना कहो। था कि 27 साल की उम्र में उन्हें सियासत की दुनिया में सिर्फ और सिर्फ सियासत ही करें, किसी के दीन को, किसी के धर्म को, किसी के मजहब को बुरा ना हम कहें। इस बात से मैं माननीय कमलनाथ जी के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम के सदके में उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती उम्र दराज की अदा करे। आज हमारे माननीय कमलनाथ जी, जिनका हम बड़ी श्रद्धा से, प्रेम से, भावना से उनका जन्मदिन मना रहे हैं। पांचवें गुरु जी गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर फरमान करते हैं, मन बेचे सदगुरु के पास, इस सेवक के कार्य नाश। आज हमारे माननीय जी कमलनाथ जी मन को उस वाहेगुरु हरि के आगे भेज दिया और इस
कौम की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, जो कि सदगुरु जी इनको चढ़ी कला रखे, शरीर को तंदुरुस्ती दे। छिंदवाड़ा सिख धर्म से मैं उनको यही प्रार्थना करता हूँ, सारी के आगे, उस वाहिगुरु के आगे, वाहिगुरु इनको चढ़ी कला रखे। जीवन के लिए जिनको ईश्वर ने इस पृथ्वी पर मानव सेवा के लिए चुना और अभी तक की दीर्घायु से परिपूर्ण कर रखा है, कि उनके सेवाओं से इस देश की, इस काम के लोग लाभान्वित हो सके। धर्मशास्त्र पैदल में ऐसे लिखा है, ईश्वर उन्हीं से प्रसन्न होता जो धर्म के काम, मानवता की सेवा बड़े हर्ष के साथ करते हैं। और जब वे मुझको पुकारते हैं तो मैं उनकी प्रार्थना को सुनकर उनको दीर्घायु से प्रेम करता हूँ। आज कमलनाथ जी का हम जन्मदिन मना रहे हैं, ये ईश्वर का वरदान है उनके जीवन के लिए, क्योंकि उन्होंने जो सेवा है इस देश में हम सबों के प्रति किया है। परमेश्वर चाहता कि वह भी वे दीर्घायु से परिपूर्ण होकर उसकी सेवा में बढ़ते चले जाए। हर कोई यहाँ जानता है छिंदवाड़ा क्या था और आज छिंदवाड़ा क्या है, विकास की गंगा किस तरह से बही, ये कमलनाथ जी के 80 में आने के बाद चालू हुआ। ये सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता था छिंदवाड़ा, आज देश के जिलों में अग्रणी स्थान हमारे जिले को मिला है, एक मॉडल जिले के रूप में पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जाना जाता है, जिसका श्रेय माननीय कमलनाथ जी को। मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब ईश्वर से प्रार्थना करें कि माननीय कमलनाथ की दीर्घायु हो, उनका नेतृत्व इसी तरह मिलता है। निश्चित रूप से उपचुनाव में हमारी हार हुई है, परंतु हमारे हौसले नहीं टूटे हैं। मेरा आप सबसे कहना है कि अपना हौसला बरकरार रखें और 2023 में फिर से कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का झंडा लहराएं। आप सबका सबके भैया ग्रुप में हमारे प्यारे परिवार के मुख्य ग्रुप में जाने जाते हैं, उनका जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो सुखी रहें, बहुत सारी उनकी लंबी उम्र हो और उनका प्यार और आशीर्वाद हम सब लोगों के साथ हमेशा मिलते रहे। जहाँ कमलनाथ जी की बात है, कमलनाथ जी ने कभी किसी में भेदभाव नहीं किया, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, न कोई जात पात का, न कोई अमीरी गरीब का। हर समय जब जैसे जरूरत हुई नियम कमलनाथ जी के पास नहीं होते थे, नियम तोड़ के भी कमलनाथ जी ने जो मदद बन सकती है हर तरह की, चाहे वो इलाज की बात हो, नौकरी की बात हो, विकास की बात हो, कोई मुसीबत आई हो, कोई भी ऐसा काम नहीं जो कमलनाथ जी ने हर समय एक रामवान दवा 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 के रूप में हम सबका साथ दिया। ये भी खुशी की बात है कि पूरे जिले के लोग उनको परिवार का मुखिया बन के हमेशा उनका नेतृत्व उनको प्यार सभी लोग चाहते हैं कि प्यार आप सब लोग बढ़े, हमेशा उनके लिए बना रहे। कमलनाथ जी के लिए चंद पंक्तियां कहना चाहूंगी। हम सब के लाडले मुखिया गरीबों के मसीहा का आज जन्मदिवस है, उनके व्यक्तित्व से संबंधित चंद बातें आपके सामने। छिंदवाड़ा शहर की शान हो आप, छिंदवाड़ा शहर की शान हो आप, छिंदवाड़ा की पहचान हो आप। पहचान इस शहर को आपसे मिली है, कस्बा दिया था हमने, कस्बा दिया था हमने, आपको शहर बनाया है, आपने शहर बनाया है। हम बनाने वाले मसीहा हो आप, आपकी तारीफ में क्या कहूँ, राजनीति के सूरज हो आप, छिंदवाड़ा की जनता के दिलों में बसे हो आप। जन्मदिन की अनेकों अनेकों शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से परम आदरणीय कमलनाथ जी को मेरा प्रणाम और ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। लेखा मंडल जी यहाँ पर शाम शाम के लिए करेगा।
इससे पहले पूजा अर्चना की शुरुआत नगर शक्ति पीठ बड़ी माता मंदिर से हुई। अपना अपना नाम अपना गोत्र अमुक कारण श्री अमुक महोदय जन्म जन वास्ते पूजनम श्री सिंहवाणी दुर्गा ओम हरिओम श्री मासे मासे कार्तिक मासे का दिन गुरु वासरे उपूभा नक्षत्र सम्मान सर्वराती हरे देवी नारायणी नमो नमः। शहर की पावन पवित्र धर्मस्थली छोटा बाजार श्री रामलला के मंदिर में कांग्रेस परिवार ने प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना कर अपने लाडले नेता कमलनाथ के जन्मदिन पर शुभेच्छा की। पूर्व सीएम कमलनाथ के जन्मदिन के उपलक्ष्य में नगर कुतुब भैया जी अताउल्ला शाह रहमतुल्ला अलैह की दरगाह शरीफ पर चादर पेश की गई। पूर्व सीएम कमलनाथ के जन्मदिन की खुशी में कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने गौधुली वृद्धाश्रम पहुंचकर बुजुर्गों को फल वितरित किए, केक काटा और फिर अपने हाथों से परोसकर भोजन कराया। अरे उधर से बुलाओ ना रोटी चाहिए पूरी रोटी रोटी लोगी पूरी रोटी कमलनाथ जी जिंदाबाद जिंदाबाद जय जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ जय जय कमलनाथ। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। आप सभी छिंदवाड़ा नगर वासियों को और समस्त जिले वासियों को, माताओं बहनों को, बुजुर्गों को, मेरे भाई बंधुओं को दीपोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि ये दीपावली कुछ विशेष है क्योंकि संक्रमण अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो हम बाज़ार जाते हैं, खाने की सामग्री खरीदते हैं, तो हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साथ में मास्क का प्रयोग करें
बच्चे और बुजुर्ग मार्केट जाने से, भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचे और मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु आपके जीवन में खुशहाली लाए, धन धान से आपको परिपूर्ण करे और आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है और आप सभी के लिए मेरी बधाई है। जय जिनेन्द्र छिंदवाड़ा, शुभ दीपावली आप सभी को। मेरी ओर से, हमारे स्वामी जी परिवार की ओर से, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से और सर्वोदय अहिंसा अभियान के समस्त अहिंसा के पुजारियों की ओर से शुभ दीपावली। तीर्थंकर महावीर भगवान का 2546वां निर्माण महोत्सव और वीर निर्माण संबंध 2547 के शुभारंभ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंधुओं, यह मंगलमय पर्व आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए, इसी पवित्र भावना के साथ मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। विशेष रूप से अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन ने सर्वोदय अहिंसा अभियान चलाकर जीव रक्षा, पर्यावरण का संरक्षण का संदेश जन जन तक पहुँचाया और हमारे वितराग विज्ञान पाठशाला सहित लाखों अहिंसा के पुजारियों ने इस वर्ष भी पटाखे नहीं जलाए। हमारा यह 33वां वर्ष है। हम सब अहिंसा के पुजारियों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करते हैं और विशेष निवेदन है, कोरोना संक्रमण काल अभी टला नहीं है तो 2 गज दूरी मास्क है जरूर, मास्क का उपयोग करें आप सभी लोग। और एक विनम्र आग्रह है कि दीपावली पर हमने जो पटाखों से राशि बचाए उससे हम हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हमारी नर्सिंग बहनें, पैरी मेडिकल स्टाफ और सामने तमाम डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी, सफाईकर्मी, पुलिसकर्मी के साथ में मीडियाकर्मी, हमारे तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का सम्मान करें। छिंदवाड़ा का विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक LG शोरूम TR अग्रवाल एंड सन्स, जहां आप पाएंगे त्योहार के शुभ अवसर पर 65 इंच नैनो LED टीवी के साथ 41 इंच का LED टीवी फ्री एवं फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के साथ वैक्यूम क्लीनर फ्री व 0% बजाज फाइनेंस और HDFC फाइनेंस, सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट, 1 साल प्रोडक्ट इंश्योरेंस, 1 साल हेल्थ इंश्योरेंस फ्री, लकी ड्रॉ, क्रेडिट कार्ड एवं डेबिट कार्ड पर 15% का कैश बैक एवं ₹888 की फाइनेंस स्कीम, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार एक्सचेंज, LG कंपनी के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध, OLED टीवी, LED टीवी, अल्ट्रा HD टीवी, फुल HD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, होम थिएटर, सीलिंग फैन, एयर कंडीशनर, वाटर प्यूरिफायर। तो आज ही आइए शहर के विश्वसनीय LG शोरूम TR अग्रवाल एंड सन्स, LG बेस्ट शॉप, गणेश चौक, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। अपने लाडले नेता, बड़े भाई और मार्गदर्शक कमलनाथ के जन्मोत्सव पर जिला महिला कांग्रेस की बहनों ने समरिया सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में सुंदर कांड का पाठ कर स्वस्थ, दीर्घायु और यशस्वी विश्व विजयी होने की कामना की। हरि ओम रामाय राम वज्राय राम चंद्राय राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम लगाते हैं ना, फूल लगा। ओम रघुपति
बोलो आज परम आदरणीय छिंदवाड़ा के विकास पुरुष पूरे मध्य प्रदेश की शान परम आदरणीय कमलनाथ जी का 74वां जन्मदिवस है और हम समस्त महिला कांग्रेस सबसे पहला कार्यक्रम की शुरुआत हमारी यहीं से हुई है कि सिमरिया, क्योंकि हमारे माननीय कमलनाथ जी का बहुत धार्मिक है और ये जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं ये देन माननीय कमलनाथ जी की है। सिमरिया हनुमान मंदिर में हम लोग सभी महिला कांग्रेस उपस्थित हुई हैं और हमने यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ करवाया है और पाठ करके हवन पूजन करके और अभी आरती करके और इसके बाद में भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान उन्हें दीर्घायु करे, खूब लंबी उम्र दे और जिस तरह से उन्होंने अब तक के छिंदवाड़ा जिले में विकास की गंगा बहाई है, अब हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि पूरे जिले में, पूरे मध्य प्रदेश में वो विकास की गंगा बहाए, साथ में उनके स्वास्थ्य को, विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य के लिए मनोकामना करें। हमने प्रार्थना की है भगवान से कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रखें। जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय नकुलनाथ, जय जय नकुलनाथ, जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। महिला कांग्रेस की बहनों द्वारा खुशी के इस शुभ अवसर पर तुलसी के पौधे वितरित किए गए। आज हमारे परम आदरणीय, हमारे जिला ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश की शान परम आदरणीय कमलनाथ जी के जन्मदिवस पर जो छिंदवाड़ा के गरीबों के मसीहा कहलाते हैं, उनके जन्मदिवस में आने वाले समय में 25 तारीख को 11 के दिन लोग अपने घर में तुलसी जी का विवाह करते हैं, तो हमने कमलनाथ जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में ये तुलसी के पौधे उपहार के रूप में समस्त महिला कांग्रेस के द्वारा समस्त महिलाओं को ये तुलसी के पौधे वितरण किए जा रहे हैं ताकि सभी लोग 25 तारीख को 11 के दिन अपने घरों में इस तुलसी जी का विवाह करें। सद्भावना मंच द्वारा अपने मार्गदर्शक, संरक्षक, जनप्रतिनिधि कमलनाथ का जन्मदिन हर्षोल्लास पूर्वक मनाया। स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी के जमाने से सद्भावना मंच अपने लाडले नेता कमलनाथ के निर्देशानुसार जिला अस्पताल में गरीब लाचार मरीजों की सहायता और सेवा के लिए मुस्तैद समर्पित समाज सेवियों की इकाई है। छिंदवाड़ा जिला कभी नहीं भूल सकता। आज माननीय कमलनाथ जी का जन्मदिन है। कमलनाथ सद्भावना मंच की ओर से, पूरे जिलेवासियों की ओर से, पूरे प्रदेशवासियों की ओर से और देशवासियों की ओर से हम सब मिलके हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वे स्वस्थ रहें, उनका स्वास्थ्य हमेशा उत्तम रहे और आयु उनकी दीर्घ रहे। जो सपना माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के लिए देखा, एक सुनहरा मध्य प्रदेश, एक उत्तम मध्य प्रदेश जहां रोजगार के उत्तम मौके हों और जहां पे हमारा किसान एक अच्छी खेती करके अपने फसलों के अच्छे दाम ले सके, जो हमारे युवा तरक्की कर पाए, ऐसा मध्य प्रदेश, एक सुनहरा मध्य प्रदेश बन पाए। हम कामना करते हैं कि जल्द 2023 में हमारे यशस्वी कमलनाथ जी वापस मुख्यमंत्री बने और वापिस अपने सपनों को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।
लोकप्रिय जनप्रतिनिधि छिंदवाड़ा के लाडले नेता कमलनाथ के जन्मदिन पर युवाओं का उल्लास उत्साह देखने लायक था। राजीव भवन के सामने 17 नवंबर की रात घड़ी के कांटों ने 12 बजने की तस्दीक की तो 18 नवंबर का स्वागत शानदार आतिशबाजी से किया गया। प्रेम और स्नेह के संबंधों की गवाही बनी 17 नवंबर की रात भी। ऊंटखाना में जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्षद दल ने जननायक कमलनाथ के जन्मदिन पर स्वच्छता सेवा सैनिकों को शॉल प्रदान कर मुंह मीठा कराया। ये भैया छोटी बाजार में भी कांग्रेस नेताओं और क्षेत्रवासियों ने अपने लाडले नेता कमलनाथ का जन्मदिन हर्षोल्लास पूर्वक मनाया और सफाई सैनिकों का सम्मान शॉल प्रदान कर किया। सभी हमारे जो नगर निगम के सफाई कर्मी हैं उनका भी अभिवादन करेंगे और उनका भी सम्मान करेंगे, इसलिए खड़े होकर केक काटने का जन्मदिन मनाने की विधि को संपूर्ण करें। अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ज्वेलर्स कामठी वाले लाए हैं ज्वेलरी महोत्सव 2020। डायमंड ज्वेलरी का संग्रह डायमंड रिंग 4,700 रुपए से शुरू। गोल्ड ज्वेलरी का अनुपम संग्रह चांदी के बर्तन सिक्के गिफ्ट आइटम प्री बुकिंग। भीड़ भाड़ एवं बढ़े हुए भाव से बचने के लिए प्री बुकिंग ऑफर। ऑफर अवधि में ज्वेलरी बुक करें जिसमें बुकिंग डेट और खरीदी डेट में से सोने का रेट जिस दिन कम होगा उसी रेट के हिसाब का भुगतान करें। ऑफर 18 अक्टूबर से 7 नवंबर तक, तो आज ही आइए ज्वेलर्स कामठी वाले डायमंड सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम ज्वेलरी की भव्य श्रृंखला। ज्वेलर्स कामठी वाले गोलगंज एवं नागपुर रोड छिंदवाड़ा।
पूजा श्री ज्वेलर्स, रिश्तों की खूबसूरती शुद्धता के साथ। खरीदें 10,000 रुपए के स्वर्ण आभूषण और पाइए 51 लाख के बम्पर उपहार। प्रथम उपहार डुप्लेक्स, द्वितीय उपहार दो कार, तृतीय उपहार 3 फसीनो, 10 डायमंड नेकलेस। हर खरीदी पर निश्चित उपहार। सिर्फ 50% राशि जमा कर मनपसंद आभूषण बुक करें। भीड़ एवं भय की घटबड़ से बचिए। 60 दिन में जब चाहें आभूषण घर ले जाएं। पूजा श्री अक्षिता नगद योजना और पूजा श्री स्वर्ण समृद्धि योजना का लाभ उठाएं। पूजा श्री ज्वेलर्स, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। युवराज टीवीएस, जहां आप पाएंगे टीवीएस बाइक एवं स्कूटर की एक से बढ़कर एक शानदार रेंज, आकर्षक कलर के साथ उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के हाईटेक टीवीएस शोरूम में, जहां आप पाएंगे आपकी मनपसंद गाड़ी आपके बजट में। टीवीएस युवराज में आप पाएंगे एक से बढ़कर एक मॉडल, जो आपको दे शानदार माइलेज, जबरदस्त पिकअप और स्टाइल। युवराज टीवीएस दीपावली के शुभ अवसर पर लाए हैं शानदार ऑफर, 5,000 तक का कैशबैक ऑफर, कम ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा व सभी मॉडल उपलब्ध एवं लकी ग्राहक को सोने का सिक्का। तो आइए और ले जाइए शान की सवारी, टीवीएस स्कूटरेट एवं बाइक्स। युवराज टीवीएस, नागपुर रोड, चंदनगांव। त्योहारों के रंग नैयर फर्नीचर के साथ, त्योहारों के खास मौके पर खरीदें अपने मनपसंद फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। यहां आप पाएंगे डिजाइनर बेड, अलमारी, ऑफिस चेयर, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट एवं फर्नीचर की एक से बढ़कर एक वैरायटी। दशहरा दीपावली के अवसर पर सोफा सेट की खरीदी पर सेंटर टेबल फ्री, आसान फाइनेंस सुविधा, शानदार फर्नीचर और जानदार इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, वॉशिंग मशीन, एलईडी, होम थिएटर, वाटर प्यूरिफायर, एसी, आकर्षक छूट के साथ। नैयर फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, टीडीसी के सामने, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। गुलाबरा मेन रोड चौक पर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी और युवा नेता आनंद राजपूत के साथ क्षेत्रीय कांग्रेस नेताओं व समर्थकों ने समाज सेवा और कर्तव्यनिष्ठ कर्मठ स्वच्छता सेवाओं के लिए शॉल श्रीफल प्रदान कर सम्मान किया। उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए आप कामना कीजिएगा और उनकी तरफ से सबसे जिला कांग्रेस भवन में आज पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के जन्मदिन पर झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष फिरोज खान के नेतृत्व में कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री दीपक सक्सेना, कार्यवाहक अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे, ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अमित सक्सेना एवं महिला विंग अध्यक्ष सागर ब्योत्रा भी मौजूद थी। कमलनाथ, बीना दीदी आइए, बीना दीदी में आपका स्वागत है। मैं हमारे लोकप्रिय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गंगा प्रसाद तिवारी जी, लोकप्रिय पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी, जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे जी, दूसरा नाम सलमा बोलते जाना भैया, फरीदा जी, रामकली जी और हसीना जी, अरे आप वहाँ जाओ,
अपने मार्गदर्शक और जिले के लाडले नेता कमलनाथ के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर खुशियों की रंगत मौखेड़ ब्लॉक के ग्राम जाम में मड़ई मेले में छाई दिखाई दी। जनपद अध्यक्ष कीर्ति विजय गावंडे की अध्यक्षता में संपन्न मेधावी छात्र सम्मान और देवी जागरण के कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे, सौंसर विधायक विजय चौरे, पांडुर्ना विधायक नीलेश उइके, कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी और कांग्रेस के क्षेत्रीय प्रभारी युवा नेता आनंद राजपूत ने शिरकत की। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा कक्षा 10वीं में प्रथम आने वाले, इन्होंने 90% अंक प्राप्त कर साला का नाम गौरवान्वित किया है, इनकी हौसला अफजाई आप लोग करते रहें ताकि ये आगे भी और आपके गांव का नाम रोशन करें। यहाँ के छात्र छात्राओं ने अच्छे अंक अर्जित किए हैं, इसमें ऐसे ही यहाँ पूर्व जनपद अध्यक्ष भाई राम को परसेंट अंक प्राप्त किए हैं। ऐसी संख्या आदित्य भोयर से कृपया मैं भी मंच पर आ जाए। इसी हाँ आओ इनका सम्मान हमारे आपके लोकप्रिय विधायक परम आदरणीय विजय चौरे जी, आप सबको दीपावली के पावन पर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बड़ा शुभ अवसर है कि हमारे महान नेता, राष्ट्र के नेता, अंतर्राष्ट्रीय जगत के नेता और हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और विपक्ष के नेता आदरणीय कमलनाथ जी की कर्मभूमि छिंदवाड़ा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि आज पूरे महाकौशल मध्य भारत और मध्य प्रदेश को, छिंदवाड़ा को कमलनाथ जी के नाम से इस देश में जाना जाता है, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। आदरणीय कमलनाथ जी के इस लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने किसानों के हक और अधिकार की लड़ाई विदेश तक लड़ी है। दल में एक साल के कार्यकाल में आदरणीय कमलनाथ जी ने गांव के प्रति, किसानों के प्रति, युवाओं के प्रति एक उन्होंने जिस तेज रफ्तार से काम किया है, चाहे वो कर्जा माफ, चाहे बिजली बिल हाफ, चाहे 100 रुपए 100 यूनिट के हिसाब से सबसे सस्ती बिजली हिंदुस्तान में अगर देने का काम किया तो हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने किया। यहाँ के सांसद रहे, विधायक है आपके क्षेत्र के, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, के ऊपर गर्व महसूस करते हैं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें हमारे नेता को दीर्घायु बनाए, उन्हें स्वस्थ रखे और इस प्रदेश की उन्नति और विकास के लिए वो हमारे लिए हमेशा हमेशा अपने बीच में रहे। जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर। कलाकार पैदा होते हैं पूरे हिंदुस्तान में, सिवनी शहर के कलाकार धूम मचा रहे हैं और वहीं से हैं हमारे जगत गुरु आदरणीय शंकराचार्य जी, वर्धमानपुर की जयकारा। जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की दो लाइन के लिए कह हरे 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 हरे
मेरे ग्रह ग्राम जाम में प्रतिवर्ष मनाई का कार्यक्रम किया जाता है भाई दूज के दूसरे दिन। आज हम बड़े उल्लास के साथ मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का जन्मदिन मना रहे हैं और इस उपलक्ष्य में हमने जो मेरे ग्रह ग्राम जाम के स्कूल से प्रतिभावान छात्र छठवीं से लेकर बारहवीं तक जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड डिवीजन पास हुए उन लोगों को सम्मानित किया, उनके माता पिता को सम्मानित किया। इसी अवसर पर मेरे भगवती का जागरण रखा हुआ है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, माँ दुर्गा जी से प्रार्थना करता हूँ, बजरंगबली दादाजी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे क्षेत्र की जनता हमेशा सुखी समृद्धि बनी रहे और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की स्वस्थ सुंदर और दीर्घायु हो। वार्ड क्रमांक 25 में कांग्रेस नेता सांबले परिवार और वार्ड वासियों ने कंबल वितरित कर अपने लाडले नेता कमलनाथ का जन्मदिन मनाया। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के जन्मदिन पर वार्ड क्रमांक 15 में भी उत्साह और उल्लासपूर्ण कार्यक्रम में शॉल वितरित किए गए। चलिए देते जाइए। सुनो चाकू का है। चलो आप दोनों बंटी भाई लो। चलो आते जाओ लेते जाओ। चलो 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 भाई आइए। और कौन बचा? और राजा कोई? चलिए अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिटी हलचल के साथ। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लेकर आए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की एक से बढ़कर एक रेंज, एक्सचेंज की सुविधा के साथ। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय एवं किफायती इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स। दीपावली के शुभ अवसर पर हर खरीदी पर भारी डिस्काउंट एवं पाइए पैनासोनिक, वर्लपूल, हायर, टीसीएल एवं सैमसंग मोबाइल की पूरी श्रृंखला। साथ ही उठाइए एक्सचेंज और बजाज, एचडीबी, आईडीएफसी द्वारा
0% डाउन पेमेंट की सुविधा के साथ 0% ब्याज दर पर फाइनेंस की सुविधा, होम अप्लायंसेस की लेटेस्ट रेंज, LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन, RO, होम थिएटर, पैनासोनिक, ब्लू स्टार, हायर, वर्लपूल, TCL, लिव प्योर आदि ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्टेड रोड, छिंदवाड़ा। त्योहारों की खुशियां मनाइए आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब के साथ। तो आइए आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब शोरूम में, जहां आप पाएंगे त्योहार के शुभ अवसर पर फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा, सभी प्रोडक्ट पर विशेष छूट, 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज दर, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार। एक्सचेंज पर पाए अधिकतम मूल्य, सभी डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड से पेमेंट स्वीकार। सैमसंग, सोनी, ब्लू स्टार, वर्लपूल, TCL, ओ जनरल एवं डाइकिन AC, टेंट आदि ब्रांडेड कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। तो आइए, आपका स्वागत है शहर के विश्वसनीय इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में, आशीष इलेक्ट्रॉनिक हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा। दीपावली धमाका। दीपावली के शुभ अवसर पर शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए लाए हैं हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की एक से बढ़कर एक रेंज, वह भी आपके बजट में। तो आइए शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक, होम अप्लायंसेस के ब्रांडेड शोरूम शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक, जहां आप पाएंगे हर प्रोडक्ट की खरीदी पर निश्चित उपहार। LED, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, जूसर मिक्सर, माइक्रोवेव ओवन, RO, होम थिएटर, सीलिंग फैन, गैस गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर, वाटर हीटर, AC एवं और भी बहुत कुछ फाइनेंस की सुविधा के साथ उपलब्ध। शांतिनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, पाटनी पेट्रोल पंप के बाजू में, छिंदवाड़ा। कुसुम IVF, नन्हे कदम अब आपके आंगन में। माँ बनने के सपने को अब करे साकार कुसुम IVF के साथ। निसंतान दंपत्ति को अब बड़े शहर की ओर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब आपके शहर छिंदवाड़ा में ही उपलब्ध है मेट्रो शहर जैसी सारी सुविधाएं। हमारी सेवाएं IVF लैब, IVF OT, ICSI मशीन एंड एग फ्रीजिंग के साथ ही एम्ब्रियो फ्रीजिंग, अंडा बनने का इलाज एवं जांच कुसुम IVF में। उत्तर प्रदेश में IVF के सर्वाधिक सफलतम परिणाम देने वाली डॉक्टर एवं कानपुर की सुप्रसिद्ध निसंतानता निवारण विशेषज्ञ डॉक्टर राशि मिश्रा एवं उनकी अनुभवी टीम, शिवानी हॉस्पिटल एंड IVF अब छिंदवाड़ा में भी अपनी सेवाएं देने के लिए उपलब्ध हैं। रजिस्ट्रेशन हेतु संपर्क करें कुसुम IVF, पांडे नर्सिंग होम, नियर पोला ग्राउंड, छिंदवाड़ा। सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। नगर निगम सभा कक्ष में विभागीय मीटिंग लेकर कमिश्नर हिमांशु सिंह ने CM ऑनलाइन शिकायतों के समाधान, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 और निर्माण कार्यों की समीक्षा की। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पात्र है और तुम लोग उसको अपात्र कर दो। नहीं सर, ऐसा नहीं। रिपोर्ट क्या है? रिपोर्ट दिया है वहां से पंचायत से। यस, ये भी इसी तरह का पसंद कॉलोनी में जो नीरज है आखिरी सर, ये इसने अभी तक जब दस्तावेज जमा नहीं किए थे, अभी दस्तावेज जमा किए हैं, ये इसको मिल जाएगा। यस सर, मिल जाएगा, ये बात है। तो सहायता राशि एक साल से क्यों नहीं आई थी? सर इनने दस्तावेज, ये एक्चुअल में डिमांड करते हैं तब जाके प्रोसेस में आती प्रक्रिया ये वाली। मतलब इनने विवाह के बाद में इनने अपने चलो विवाह होना देखा जाए, एक साल करोना की वजह से। इसमें आप देखो सभी लोग जो है, ताकि ऐसा नहीं बिल्कुल होना चाहिए कि ये दो दिन बाद अगर बंद करोगे तो संतुष्टि से नहीं आएगा, फिर लेवल 3 पे जाएगा। परासिया के शिवपुरी से 5 दिनों से गुमशुदा 10 वर्षीय बच्चे का शव स्टॉप डैम में पाया गया। मृतक बच्चे के पिता ने पुलिस को बताया है कि बच्चे के गुमने से 5 दिन पहले उनका पड़ोस में विवाद हुआ था। पिता का कहना है कि पुत्र की मौत हादसा नहीं, हत्या है। भैया
बड़े लोग हैं, यार लोग हैं, मैं तो खड़ा हूँ यार। अरे यार, अरे यार, नासा भी नहीं समझा, करेंगे तो नहीं। अरे क्या 11:20 को सीताराम डहरिया ने आराम में सूचना दिया कि उनका लड़का नितिन डहरिया उम्र करीबन 10 वर्ष दिनांक 10/11/20 दिन मंगलवार को नितिन घर से निकला तो वापस नहीं आया, जिस पर पुलिस द्वारा विसंगत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए उसकी तलाश निरंतर की जा रही थी और दिनांक 16/11/20 को घर के पास ही स्टाफ बैंक में उसका शव मिलने पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच की जा रही है। शव परीक्षण के लिए भेजा गया है, शव परीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध साज के आधार पर भी संगत कार्रवाई की जाएगी। सब परिवार वालों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही से ये उनकी हत्या हुई है उसके बालक की। नहीं, मेरे द्वारा जो मैं स्वयं कल मौके पर गया था तो उसमें पुलिस की कहीं लापरवाही प्राप्त नहीं। सर 5 दिन पूर्व में FIR दर्ज करवाई गई थी, फिर भी पुलिस उसको ढूंढ पाने में असक्षम रही। पुलिस पे रिपोर्ट करने पर पुलिस द्वारा FIR दर्ज की गई है और पुलिस निरंतर लगातार मौके पर जाकर तलाश करती रही है। सर उनके परिवार का आरोप है कि अपहरण कर उसकी हत्या की गई है। सौ परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तब तक इस संबंध में कुछ कहना संभव। वार्ड क्रमांक 38 पाठाढाना में वर्धमान सिटी चौक पर क्षेत्रवासियों ने समाजसेवी युवा कांग्रेस नेता सचिन ताम्रकार एवं वरिष्ठ कांग्रेस सदस्यों पदाधिकारियों के साथ जिले के लाडले नेता पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का जन्मदिन मनाया। इस अवसर पर आतिशबाजी कर केक काटा गया और सभी ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। आज 18 नवंबर पाठाढाना वार्ड नंबर 38 में वर्धमान सिटी के सामने समस्त आंदोलनों वार्डवासियों ने कमलनाथ जी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। वार्ड क्रमांक 29 में भी हर्षोल्लासपूर्ण माहौल में PCC अध्यक्ष कमलनाथ का जन्मदिन केक काटकर खुशियों सहित मनाया गया। युवा नेता अभिषेक गुप्ता के नेतृत्व में जन्मदिन समारोह में जमकर आतिशबाजी हुई और ढोल की थाप पर थिरक कर युवाओं ने खुशियां मनाई। नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला और युवा कांग्रेस महामंत्री प्रबल सक्सेना की मौजूदगी खास रही। Hey!
वार्ड नंबर 29 बुधवारी बाजार पुराना छापाखाना में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का जन्मदिवस बड़ी धूमधाम के साथ समस्त क्षेत्रवासियों और कार्यकर्ताओं के साथ मनाया गया और साथ ही साथ सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और यशस्वी नेता माननीय कमलनाथ जी की लंबी दीर्घायु प्रदान हो ऐसी मनोकामना हम सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा की गई है। और इस कार्यक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज शुक्ला जी, शहर कांग्रेस के महामंत्री भाई प्रबल सक्सेना जी और समस्त क्षेत्रवासी उपस्थित हुए जिन्होंने पूरी धूमधाम के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया। आज जिस प्रकार से अभिषेक भाई ने बताया कि हमारे यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी का जन्मदिन है और जिस प्रकार से सब लोग देख रहे हैं पूरे शहर में, पूरे जिले में और पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल है कि एक उत्सव मनाया जा रहा है। ये उत्सव आगाज है 2023 का, ये उत्सव आगाज है आने वाले समय में एक सुनहरे मध्य प्रदेश का, एक सुनहरे छिंदवाड़ा का। और बहुत जल्द मैं ये मानता हूँ कि 2023 में जब हमारे कमलनाथ जी वापस प्रदेश की कमान संभालेंगे तो उनका किया हुआ संकल्प और सपना जरूर पूरा होगा और हम सच्चे सिपाही की तरह माननीय कमलनाथ जी के, पूरे छिंदवाड़ा के युवा साथी माननीय नकुल नाथ जी के पीछे खड़े हैं और एक सच्चे सिपाही की तरह उनकी कही हुई बातों से, उनके दिए हुए मार्गदर्शन पर हम लोग चलेंगे और एक सुनहरे छिंदवाड़ा की जरूर विकास के लिए हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वार्ड क्रमांक 17 की पार्षद वर्षा रामचंद्र वाघ ने केक काटकर पूर्व सीएम कमलनाथ का जन्मदिन मनाया और शॉल श्रीफल तथा मिठाइयां बांटी। अबे एक वीडियो और फोटो अच्छा वो आ रहा है। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें हेडलाइंस पर। पीसीसी प्रेसिडेंट कमलनाथ के जन्मदिन पर बड़ी माता मंदिर, राम मंदिर सहित धार्मिक स्थलों पर हुई पूजा अर्चना, सिमरिया में हुआ सुंदरकांड पाठ। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में हुई सर्वधर्म प्रार्थना सभा, धर्मगुरुओं का शुभाशीष और दुआएं। पूर्व सीएम कमलनाथ के जन्मदिन पर वृद्धाश्रम में हुआ फल वितरण और भोज, वार्डों में काटे गए केक, स्वच्छता सैनिकों का हुआ सम्मान। और समीपस्थ ग्राम जाम में मेधावी छात्र छात्राओं का हुआ सम्मान, मड़ई मेले में भक्ति संध्या, भजनों की शानदार प्रस्तुतियां। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।